ऐसे विचारे वड्डी खबर चंडीगढ़ तो सामने आ रही है जिथे स्कूल विच एक पाइपलाइन जो है गैस पाइपलाइन लीक हो गई। स्कूल नेड़े गैस लीक हो गई तां इत्थे दस दईए गैस पाइपलाइन लीक हो गई, बच्चों सुरक्षित बाहर कढ़िया गया। गनीमत रही है कि बच्चों सुरक्षित बाहर कढ़िया गया, स्कूल विच छुट्टी भी कर दी गई। चंडीगढ़ विच स्कूल नेड़े गैस लीक हो गई ते गैस पाइपलाइन लीक हुई है। तो साढ़े नाल साढ़े सहयोगी साहिल जुड़ गए ने। साहिल, पूरा मामला की है? बिल्कुल नीलम, अज सवेरे एक खबर सामने आई सेक्टर 40 एक निजी स्कूल के बीच जी है गैस पाइपलाइन एलपीजी गैस पाइपलाइन जी है वो कितने कितने लीक हो गई, जिस तो बाद स्कूल के प्रशासन वालों जरा स्कूली बच्चों के माता पिता जरा जे गार्डियन की उन्होंने मैसेज पा के जरा फटाफट गल कही गई कि बच्चों स्कूल तो लै जा स्कूल के जरा जे बच्चे उत्तर मौजूद से उन्होंने सारे बच्चों जरा सुरक्षित जरा रेस्क्यू कर लिया गया, उन्होंने सुरक्षित जरा स्कूल तो बाहर कड़ लिया गया, जिस तुम बाद स्कूल के जी छुट्टी उसे ऐलान कर दी गई। उसे ही दूजे पासे जिस थान तो गैस लीक हुई है उस गैस की पाइपलाइन के उत्ते जी है चेक किया जा रहा है कि कारण बनया है गैस लीकेज होने का, तो उसके उत्ते जरा पूर्ण तौर के उत्ते स्कूल प्रशासन जरा भी कार्रवाई करता हुआ नजर आ रहा है। पर हाले तक सब तो वड्डी गल यह हैगी है कि किसी भी तरीके का कोई नुकसान जरा वो नहीं होया, किसी भी बच्चे का कोई नुकसान जरा है वो नहीं होया, पर इस तरीके गैस पाइपलाइन थोड़ा अपने आप के कितने कितने चिंता का विषय जरूर बन जाता है, क्योंकि इस तो पहले जेकर गल करिए लुधियाना के भी कुछ समय पहला जरा कि गैस पाइपलाइन लीक हो गई थी जिस तो बाद 11 लोगों की उसे मौत हो गई थी। तो जी बहुत शुक्रिया साहिल तमाम जानकारी दे लई। तां गैस पाइपलाइन लीक हुई है तो गनीमत यह रही है कि बच्चों को सुरक्षित बाहर कढ़ लिया गया। ऐसे विचारे वड्डी खबर चंडीगढ़ तो सामने आ रही है जिथे स्कूल विच एक पाइपलाइन जो है गैस पाइपलाइन लीक हो गई, स्कूल नेड़े गैस लीक हो गई तां इत्थे दस दईए गैस पाइपलाइन लीक हो गई, बच्चों सुरक्षित बाहर कढ़िया गया। गनीमत रही है कि बच्चों सुरक्षित बाहर कढ़िया गया, स्कूल विच छुट्टी भी कर दी गई। चंडीगढ़ विच स्कूल नेड़े गैस लीक हो गई ते गैस पाइपलाइन लीक हुई है। तो साढ़े नाल साढ़े सहयोगी साहिल जुड़ गए ने। साहिल, पूरा मामला की है? बिल्कुल नीलम, अज सवेरे एक खबर सामने आई सेक्टर 40 के एक निजी स्कूल के बीच जी है गैस पाइपलाइन एलपीजी गैस पाइपलाइन जी है वो कितने कितने लीक हो गई, जिस तो बाद स्कूल के प्रशासन वालों जरा स्कूली बच्चों के माता पिता जरा जे गार्डियन की उन्होंने मैसेज पा के जरा फटाफट गल कही गई कि बच्चों स्कूल तो लै जा स्कूल के जरा जे बच्चे उत्तर मौजूद से उन्होंने सारे बच्चों जरा सुरक्षित जरा रेस्क्यू कर लिया गया, उन्होंने सुरक्षित जरा स्कूल तो बाहर कढ़ लिया गया, जिस तुम बाद स्कूल के जी छुट्टी उसे ऐलान कर दी गई। उसे ही दूजे पासे जिस थान तो गैस लीक हुई है उस गैस की पाइपलाइन के उत्ते जी है चेक किया जा रहा है कि कारण बनया है गैस लीकेज होने का, तो उसके उत्ते जरा पूर्ण तौर के उत्ते स्कूल प्रशासन जरा भी कार्रवाई करता हुआ नजर आ रहा है। पर हाले तक सब तो वड्डी गल यह हैगी है कि किसी भी तरीके का कोई नुकसान जरा वो नहीं होया, किसी भी बच्चे का कोई नुकसान जरा है वो नहीं होया, पर इस तरीके गैस पाइपलाइन थोड़ा अपने आप के कितने कितने चिंता का विषय जरूर बन जाता है, क्योंकि इस तो पहले जेकर गल करिए लुधियाना के भी कुछ समय पहला जरा कि गैस पाइपलाइन लीक हो गई थी जिस तो बाद 11 लोगों की उसे मौत हो गई थी। तो जी बहुत शुक्रिया साहिल तमाम जानकारी दे लई। तां गैस पाइपलाइन लीक हुई है तो गनीमत यह रही है कि बच्चों सुरक्षित बाहर कढ़ लिया गया।